नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है बिकी और आप देख रहे हैं शुभ्र पाठशाला। तो दोस्तों, लेकर आया हूँ कमाल की जॉब न्यूज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले घंटी को ऑन करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा वो 2018 का न्यूज। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो है रिक्वायरमेंट निकाल दी है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। टोटल पोस्ट है आपका 26,502, ऑल इंडिया पोस्ट है। सभी जोन में अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। नीचे आपको लिंक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग पोस्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस नोटिफिकेशन की कि एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्योंकि ये रेलवे भर्ती बोर्ड जो है काफ़ी दिनों के बाद निकाला है वैकेंसी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, जिनका एज खत्म हो चुका होगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपका एज लिमिट है 18 से 28 साल, ठीक है। एज पर एज आपका होना चाहिए 1/7/2018 तक, यानी कि 1/7/2018 तक जो है आपका 18 से 28 के बीच जो भी एज है आपका हो जाना चाहिए। नई बात ये यहाँ पे निकल के आ रही है कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होगा। जी, पहले एग्ज़ाम होता था रेलवे का ऑफलाइन, लेकिन अब जो है डिजिटली हो गया है सब कुछ, तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम हो गया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने के लिए जो है आप लोग ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम देंगे और सिलेबस में भी कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर असिस्टेंट लोको पायलट की अगर हम करें तो मैट्रिकुलेशन या फिर +2 होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ITI होने चाहिए आपका SCVT या NCVT से, ठीक है, जो भी ट्रेड पोस्ट है आपका अप्लाई जो करेंगे, ठीक है। क्या क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन या ITI, मैट्रिकुलेशन ITI या फिर 10+2 ITI या और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले भी, और जो बीटेक किए हुए हैं वो भी फॉर्म इस फील्ड को कर सकते हैं। यानी कि लोको पायलट का जो फॉर्म फील आपका इंजीनियरिंग और बीटेक वाले भी लोग कर सकेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन में अगर हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन विथ ITI, ठीक है, या फिर 10+2 विथ ITI जो कि NCVT और SCVT से होनी चाहिए, और जो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ जो है आप मैट्रिकुलेशन या फिर 10+2 के साथ साथ जो है आप एक्ट अप्रेंटिस किए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इंडिया में, बिहार से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एक्ट अप्रेंटिस बहुत दिनों से करके बैठे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए भी जो है ये खुशखबरी निकल के आई है कि वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं टेक्नीशियन और लोको पायलट की। तो काफ़ी शानदार न्यूज़ आई है, एकदम कल ही मॉर्निंग में आई थी ये न्यूज़ रेलवे भर्ती बोर्ड। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अप्लाई करने का डेट जो है आपका आज से ही स्टार्ट हो चुका है, 3 तारीख से ही, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो चुका है, 3/2/2018 से लेकर 5/3/2018 तक ये फॉर्म फिल चलेगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले घंटी को जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।